हाँ तो बालक और बालिका सभी को नमस्कार। और आज जो अपना है वो ट्वेल्थ क्लास का जो बोर्ड है, अपना बोर्ड आ गया भाई साहब 2024 का बोर्ड जो है हमारे सामने है। इसका जितना भी जो मैटर है केमिस्ट्री का कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है ज़्यादा पूछा जाता है, उन टॉपिकों के बारे में अपन बात करेंगे। और सभी ने कोर्स सिलेबस है प्रॉपर कर चुके हैं। इसके अलावा जो टॉपिक है कि अब क्या करना है 15 दिन के अंदर, तो ये 15 दिन के अंदर जो करने वाली चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। सभी को आती होगी और नहीं आती है तो इनको ज़रूर आप कर लेना। ज़्यादा नहीं है, कम से कम 30 टॉपिक है 10 चैप्टरों से। इन 30 टॉपिकों को आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मिलने वाला है 2024 और 2025 की जो एग्ज़ाम अपनी है बोर्ड की, उसमें यही मिलने वाला है। अगर इससे बाहर अगर आ रहा है तो इसका मतलब है वो राजस्थान की बोर्ड नहीं है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में देने वाले जो टॉपिक है वो तो हमारे सामने पड़ा है। पहला देखो, इसमें ट्वेल्थ वाली जो केमिस्ट्री है उसके अंदर 2024 में जो आने वाला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, वो 10 टॉपिक है। अपने चैप्टर जो है टोटल कितने हैं, 10 है। और कितने कितने नंबर के हैं वो भी मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, और किस टॉपिक से कौन से इंपॉर्टेंट है वो अपन बात करेंगे, और किस टॉपिक से किस मैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से ईयर में जो पहले पूछा गया है वो भी अपन ने मेंशन कर रखी है। तो देखते जाओ 10 के 10 टॉपिकों के बारे में। पहला है विलियन, अपने सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। विलियन जो है 6 नंबर का है आपका, ट्वेल्थ की जो केमिस्ट्री है उसका जो अब की बार बोर्ड का जो है वो कितने मार्क्स का, ये 6 नंबर का है। सर इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले हैं या पूछने की संभावनाएं इनकी बनती है, तो जितनी भी सांद्रता की इकाइयाँ हैं ना वो तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि विलियन वाले चैप्टर में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सांद्रता की इकाइयों के अलावा तो ये चैप्टर है ही नहीं। अगर अपन बोले कि विलियन की बैकबोन बोल सकते हैं अपन सांद्रता की इकाइयों से, क्योंकि सांद्रता की इकाइयाँ अगर आती है तो ही विलियन बन पाता है, तो ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा सर क्या है, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब को आपको सारी वो मेम्ब्रेन वगैरह उसके कारक वगैरह प्रभावित कारक वगैरह सारा अपन को इसके अंदर देखना है। प्रासरण दाब जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर करके ही जाना है। इसके अलावा सर प्रतिलोम प्रासरण आपको करना है, मोलरता तथा मोललता ये दोनों करना है, क्योंकि इसका अंतर भी पूछा जाता है बहुत बार, तो मोलरता तथा मोललता में अंतर पूछा जाता है, या फिर परिभाषा के तौर पे पूछ लेता है मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो अपन को आना चाहिए, परिभाषा अपन को आनी चाहिए। इसी के साथ कम से कम भी 3 या 4 पॉइंट इसके अंतर के होने चाहिए। एक तो अपन इसका परिभाषा से निकाल लेंगे, एक अपनी इकाई से निकाल लेंगे कि दोनों की इकाई किस पे निर्भर करती है, दूसरा अगर बात करते हैं अपन तो इसके फॉर्मूले से अपन कर लेंगे। तो 3 अंतर तो आपके पास होने चाहिए, 3 या 4 अगर पूछता है ज़्यादा, अगर एक या 2 नंबर का पूछेगा तो 2 अंतर, तो आपको परिभाषा वाला और इकाई वाला और इसका सूत्र वाला तो आपको आना ही आना चाहिए अंतर, क्योंकि अपन और कुछ भी लिख के आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेक करने वाले को वो चीज़ें ज़्यादा देखनी चाहिए जो मोलरता तथा मोललता को परिभाषित करती है, तो अपन को देखना है मोलरता मोललता और इसके अंदर अंतर वाली बातें अपन को देखनी है। दूसरा जो टॉपिक है वो है विद्युत रसायन, और विद्युत रसायन जो है वो भी 6 नंबर का है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको करने हैं। पहला जो है प्रतिरोधकता क्या होती है, सेल में प्रतिरोधकता क्या होती है, ये आया हुआ है देखो 2016 में पूछा गया है। ये जो आपके दे रखे हैं ना जैसे कि सांद्रता की इकाई 18 तथा 20, तो ये ईयर्स है यहाँ पे ना कि कब पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला है मोलरता चालकता, ये भी है मोलर चालकता क्या होती है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है, प्रतिरोध तथा मोलर चालकता इसके बारे में आना चाहिए। फेराइडे के नियम है 18 तथा 15 में पूछा गया है। नेक्स्ट समीकरण, ये भी आपके 13, 14 और 16 में, इसको तो आपको करके जाना है, संभावना तो मैं कहता हूँ 24 भी लिख ही देता हूँ इसमें अगर आप कहते हो तो। इसके अलावा अपन अगर आपको ये वाली समझ में नहीं आती, याद नहीं आती है, तो एक काम करना एग्जाम के एक दिन पहले आप इसको रट के चले जाना, इसका यही समाधान है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, तो ज़्यादा माथापोड़ी करने का नहीं, क्योंकि इसके बेस के जो क्वेश्चन है वो तो आपसे पूछेंगे नहीं, तो इसको ज़्यादा भी हो सके तो कर लो, वरना लास्ट के दिन में आपको क्या करना है एक बार देख के चले जाना है, इतना तो याद रह ही जाएगा। अगर 3-4 घंटे पहले अगर आप इसको देखते हो तो याद रह जाएगा, एक ही समीकरण है इसके अंदर केमिस्ट्री में अपने। अगला कह रहा है कोल्स राउ का नियम, आपको ये 2014 में पूछा गया था। डेनियल सेल जो है ये भी देखो बहुत बार है भैया, इसका डेनियल सेल का जो नामांकन चित्र के नाम से भी आता है, तो उसका डायग्राम आपको जरूर देख के जाना है। 13, 15 और 23 में
ये पूछा जा चुका है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना इस पर। अगर पिछली बार इसका जो क्वेश्चन था वो 4 नंबर का था, अब की बार हो सके तो अपन को आप या तो इसका डायग्राम पूछ लेगा या फिर छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो डेल्विन सेल को थोड़ा सा देख लेना, धातुओं का श्रृंगारण ये भी आपको पूछ सकता है, ये 3 बार पूछ सका है, 14, 17 और 19 के अंदर ये पूछा जा चुका है। तो ये बातें आपको जो बता रहा हूँ अच्छे से करके ही जानी है एग्जाम में, और मैं तो कहता हूँ अगर ये हो जाता है आपका एग्जाम से पहले तो बहुत अच्छा है। अगर आपका पेपर 56 है और इसमें इस जो आपके पास सामने जो दिख रहा है इसमें श्योर है कि आप ये तो आप प्राप्त कर ही सकते हो अगर आपको ये पता है तो। कटने की संभावना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है अगर आप केमिस्ट्री के जो टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ये अगर आप कर लेते हो तो। अगला है रासायनिक बलगति, रासायनिक बलगति भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। इसमें पूछना क्या वाला है देखो, सबसे पहले जो है वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना, भाई साहब ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भाई साहब 12th में केमिस्ट्री लेने का महत्व है। बलगति के बारे में पूछा जाए तो उतना ही महत्व है भाई, क्यों, क्योंकि देखो 13, 15, 16, 17 और 22 रहा है ना, 23 में इसने छोड़ दिया तो अपन 24 भी लगा ही देते हैं फिर, है ना, तो थोड़ा सा देख लेना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अपन कोई सी भी चीज भी यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं तो उससे पहले अपन को वेग स्थिरांक की इकाई तो पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इस पे 2024 लगा रहा हूँ क्योंकि आपको ये तो पढ़ना ही है। अगर बलगति की पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना तो आना ही चाहिए। अगला कह रहा है सर अर्धायुकाल, अर्धायुकाल देखो 13, 14 और 20 में पूछा गया है तो आपको ये भी देख के जाना है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, जितने आपके सामने दिखाई दे रहे हैं पूरा देखना है। अणुसंकेतता 18 और 22 के अंदर देखा जाए। अगला कह रहा है सर अभिक्रिया के वेग व प्रभावित करने वाले कारक आपको देखने हैं, अभिक्रिया किससे बदल जाती है, ताप दाब जो भी है आपके सिलेबस में वो सारे कुछ देखना है। और किसी बच्चे के अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये टॉपिक हमारे पास है ही नहीं, हमारे को तो मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं, तो अगर किसी का मास्टर नहीं पढ़ाया तो आप क्या करना है, या तो मुझे यहीं मैसेज कर दो या इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम पे जाके वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो, उसको पूरे के पूरे जितने भी मैंने टॉपिक बता रहे हैं उसके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अब रोना नहीं है क्योंकि 15 दिन ही बचे हैं कि सर मास्टरी कौन पढ़ाए हो माने, तो रोबा की जरूरी कौन है ना, मैसेज करो या टेलीग्राम पे मैसेज करो, आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसके बारे में बताओ, उसको पूरी PDF आपको नोट्स की मिल जाएगी। अगला क्या कह रहा है देखो, प्रभावित करने वाले कारक आपको देखने ही है, इसके अलावा है शून्य कोटि, प्रथम कोटि और छदम कोटि। अरे भाई कब कब आई है, 13 में आई है, इसके अलावा 19 में थी और अपन कह सकते हैं कि 24 में भी संभावना है इसकी बन रही है, तो बन रही तो अपन को याद करके ही जानी है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और छदम कोटि। क्या करना है सर, किसे कहते हैं ये करना है, इकाई क्या होती है ये करना है, इनके दो दो तो पॉइंट आपको करना ही करना है, किसे कहते हैं और इकाई क्या दर्शाती है, अणुसंकेतता तथा कोटि में अंतर बताइए भाई। अरे हाँ या ना, अगर आपको अणुसंकेतता कोटि में अंतर पता है तो ये सारी चीजें आप सोल्व कर ही लोगे, तो एक बार आपको जरूर देखना है। अवलकन वेग समीकरण क्या होती है, इसको कैसे सोल्व किया जाता है, आप इसके लिए मैं एक बार आपको बोलूंगा कि NCERT जरूर पढ़ लेना, ये वेग समीकरण का जो है NCERT का एग्जाम्पल जो है वो आप जरूर देख के ही जाना। अगला कह रहा है अर्धायुकाल क्या होता है, भाई साहब कैसे निकालते हैं अर्धायुकाल, किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल कैसे निकलता है, तो ये भी आपके नोट्सों में और NCERT का जो एग्जाम्पल है वो देख लेना। 12th क्लास में अगर कोई भी न्यूमेरिकल या कोई ज्ञात करवाना चाह रहा है वो, तो ज्ञात वही करवाएगा जो तुम्हारी NCERT के अंदर उदाहरण या एग्जाम्पल में दे रखा है, इसके बाहर आपको नहीं बताएगा। और हाँ या ना, तो आप बाहर की कोई भी गाइड वगैरह सोल्व करने की जरूरत नहीं है इन टॉपिकों के लिए, नोट्स में अगर आपके मास्टर साहब ने करवा रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मास्टर साहब ने नहीं करवा रखे तो मैंने बोल दिया, आप मेरे से मैसेज करके आप ये सारी चीजें आप ले सकते हो। अगला कह रहे हैं सर रासायनिक बलगति अपना हो गया, चौथा जो चैप्टर अपना डी और एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में है, और एफ और डी ब्लॉक का जो तत्व है भैया ये 5 नंबर का आपके आएगा। सर इसमें क्या क्या है, एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन बनता है भाई साहब 14 में, और ये एक 21 का है, 21 का 20 में, इसके अलावा अपन दे सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको अनुमानित छोटे क्वेश्चन वाले ना।
आयनन का रंगीन होना किस पे निर्भर करता है, वो सारी चीजें देखना है भाई साहब, अर्धपूरित पूर्णपूरित वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़ के जाना है। कौन सा आयन रंगीन होता है, कौन सा आयन रंगीन नहीं होता है, उसका क्या कारण है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। वो आपने क्वेश्चन देखा, ये ऐसा बनता है, ये ऐसा नहीं बनता है, क्यों, तो ये क्यों और कैसा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये डी और एफ ब्लॉक के ही बनते हैं। ऐसा हो रहा है क्यों, ऐसा नहीं हो रहा है क्यों, तो ये सारी चीजें क्यों क्या है वो यहां मिलेगा आपको, ये पढ़ के जानी। अगला कह रहा है अंतराकाशी योगी क्या होता है, अंतराकाशी योगी क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन, ये भी आपको देखना है। लेंथेनाइड संकुचन 15 और 22 के अंदर पूछ जा चुका है, किसे कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन, पूरा समझना है भाई साहब इसके बारे में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बनता है इसलिए पूरा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं हम। ZnCd और HG संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता है, ये क्यों वाला क्वेश्चन देखो ये आ गया, बोले बड़ा छोटा सा आंसर है लेकिन भाई साहब इसको पढ़ के बहुत जरूर जाना है, 15 और 16 के अंदर भाई साहब पूछा गया है तो जरूर देख के जाना है। संक्रमण तंत्र अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं क्यों, वही बात आ गई, तो भैया ये क्यों बनाते हैं इसका लॉजिक जो है वो भी आपको पढ़ के जाना है। अगर आपके मास्टर साहब ने ये चीजें नहीं बता रखी तो आप मैसेज करके अपन से ले सकते हो, आपको सारे क्वेश्चन है उनके आंसर वगैरह मिल जाएंगे। अगला कह रहा है उपसंयोजक यौगिक क्या है, इसके अंदर ये भी देख लेना, चुंबकीय आघूर्ण देखो 15, 18, 22 और 23 में, तो एक बार देख के जाना बनता है, क्यों, क्योंकि आपके एक दो नंबर में किसी भी आयन का आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करवा सकता है, वो आपके पास एग्जाम्पल दे देंगे और चुंबकीय आघूर्ण सर किस किस का निकालना अमन सिंह के, तो सीखने की जरूरी अभी फिलहाल तो मुझे लगती नहीं तुम्हारी, एक बार NCERT में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन एग्जाम्पलों को देख के जरूर चले जाना, वो कैसे निकल रहे हैं, उनके क्या आंसर आ रहे हैं, क्या उसका द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है, 3-4 एग्जाम्पल आपके NCERT में पढ़े हैं तो वो जरूर देख के जाना। अब अगर आप चुंबकीय आघूर्ण के पीछे पढ़ोगे तो बहुत ही समस्या वाली कहानी बन जाएगी, तो कर लेना एक बार। उपसंयोजक यौगिक क्या है, उपसंयोजक यौगिक जो है 5 नंबर का है भैया आपके, और 5 नंबर का जो है इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं सर, IPSC नाम इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इस यौगिक में अगर आपके बात करें, क्योंकि 11th क्लास में बनता है IPSC के क्वेश्चन बहुत शानदार, लेकिन एक ही टॉपिक आपके हैं जिससे पूछे जा सकते हैं और वो बनता है उपसंयोजक यौगिकों के, यौगिकों का IPSC नाम पूछ सकते हैं तो, और पूछ सकते नहीं है, पूछेंगे ही, तो ये पूछेंगे ही इसका मतलब है पढ़ना ही है, तो पढ़ लेना भाई। VBT क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, ये भी आपको देख के जानी है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरने का है, ये वैलेंस के आधार पे ही आपको देखना है। लिगेंड्स क्या हैं और लिगेंड्स के प्रकार क्या है, सारे प्रकार आपको देखने हैं, उनके एग्जाम्पल भी आपको देखने हैं, क्योंकि अब की बार 12 से 18 क्वेश्चन जो आपके MCQ आएंगे उसमें आपको पूछ सकते हैं ये इस प्रकार का कैसा लिगेंड है, तो वो किस प्रकार का कैसा लिगेंड है, ये आपके NCERT के एग्जाम्पल है, वही आपको पूछेंगे और वही पूछेंगे तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अपन कुछ भी फालतू बातें यहाँ नहीं की जा रही है, तो इधर देखो और लिखो। उपसंयोजक संख्या क्या है, उपसंयोजक संख्या क्या होती है, कोई भी आपको एग्जाम्पल दे देगा और उसमें से आपको पता है, पूछेगा वो कि इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी होती है, तो आपको देखनी ही पड़ेगी, अरे हाँ या ना, तो आपको ये पता करना चाहिए। अगला कह रहा है ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात आपको करवानी है। अगला कह रहा है द्विव आण्विक संकुल में अंतर बताइए, तो द्विव लवणकों और संकुलों में अंतर जो है वो भी आपको देख के जाना है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ से। उपसंयोजक की संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था आपको देखनी पड़ेगी, IUPAC नाम देखना पड़ेगा, VBT देखना पड़ेगा और लिगेंड आपको देखना पड़ेगा। अगला है अपना हेलो एल्केन व हेलो एरिन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है अपना 6 नंबर का है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है सर, वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन आपको करके जानी है, 13, 16, 18 और 24 वाला आपको आंकड़ा इसमें देखना पड़ेगा, तो वो भी आपको देखना है। अगला है जो 17, 19 और 13 के अंदर आइए, स्वार्ट्स रिएक्शन ये भी आपको देख के जानी है, SN और SN2 अभिक्रिया क्या है ये आप देख लेना भैया, इसका आंकड़ा भी अपन यहीं रख देते हैं तो जरूर देख के जाना। हुड्स अभिक्रिया, हुड्स फीडिंग अभिक्रिया जो है 17, 19 और 13 के अंदर है, और बीटा विलोपन क्या होता है आपको बताया अपने, अपन ने बहुत सारी अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल अपने किए थे, बीटा विलोपन ये वाला जो है एग्जाम्पल ये आपको देख के ही जाने हैं। इसके अलावा सर अगला कौन सा है,
सात के बाद में हेलो एरीन तथा हेलो एल्केन के बाद में अपना टॉपिक होता है हेलो मतलब एल्कोहल फिनॉल और इथर। ये जो है ये भी कितने नंबर का है? छह नंबर का है। सर क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है एल्कोहल का विकृतीकरण की जितनी भी है बातें वो सारी बातें आपको इसमें देख के जानी है। इसके अलावा सर क्या है राइमन टिमन अभिक्रिया या हेलो फोरम रिएक्शन जो है ये आपको देख के जानी है। केमिकल रिएक्शन तीनों की देख के जानी है। अगर आपको बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन के बारे में तो वो क्वेश्चन यहां से ही बनेगा एल्कोहल फिनॉल और इथर की एल्कोहल रिएक्शन क्या क्या होती है केमिकल रिएक्शन वो सारी आपको पूछेगा। किसी की भी पूछ सकता है इथर फिनॉल और एल्कोहल। तो ये आपको बात करके जानी है जितनी भी बनाने की जो विधियां हैं आपके एनसीईआरटी में लिखा है एल्कोहल बनाने की विधि क्या है तो वो विधि पढ़ के जाना है। इथर बनाने की विधि क्या है तो वो विधि पढ़ के जाना है रहा है ना। और फिनॉल बनाने की विधि क्या है वो पढ़ के जाना। कोल्बे अभिक्रिया क्या है भाई? कोल्बे अभिक्रिया आपके इसी के अंदर आपको मिलेगी तो उसके बारे में आपको बता के जाना है। कोल्बे अभिक्रिया में किस प्रकार के उत्प्रेरक यूज आते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है और किससे बनता है और कैसे बनता है, क्या उसकी अभिक्रिया विधि है, ये आपको देखना है। अगला कह रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। भैया सबसे ज्यादा नंबर का जो है वेटेज वाला वो है सात नंबर और वो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। सर क्या क्या है इसमें? तो पहला है देखो केली मेंसन या रोजेन मुंड, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये आपको आनी चाहिए भाई। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया सारी अपने यहाँ पे धर दी है एक साथ ही। फॉल फिशर है, स्टीफन रिएक्शन है, टोलेन और फ्लेमिंग जो परीक्षण है। भैया स्टार लगा, एग्जाम में बैठने से पहले आपको ये परीक्षण जो है ये आने चाहिए क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से भी ये मायने रखता है। तो अगर प्रैक्टिकल का एक भी दो भी क्वेश्चन अगर आपको डालेगा बोर्ड वाला तो वो कुछ ही नहीं, बस ये परीक्षण ही उठाएगा। तो अगर डालेगा तो आपके श्योर है कि आपके यही आने वाले। कोल्बे विद्युत अपघटन विधियाँ क्या है, अभिक्रियाएँ क्या हैं वो आपको पढ़ना है। एल्डोल संघनन क्या होता है ये जरूर देख लेना भाई साहब। गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या है, ये सारी अभिक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट बनती है इस चैप्टर में से और बार बार पूछी जाने वाली यही है। इसके अलावा आपको बोर्ड में मिलती नहीं है, तो अगर मिलती नहीं है तो वो अपने भी नहीं लेके आए, तो जो मिलती है वो आपके सामने, तो ये जो मिलती है वो आपको याद करनी है। रहा है ना। हाँ आगे लिखो एमीन वाला कितने नंबर का है? पांच नंबर का है। और भाई पांच नंबर जो है वो कहां कहां से मिलेगा, क्या क्या पढ़ने से मिलेगा? तो देखो क्या क्या पढ़ोगे आप, कार्बोलिन एमीन क्या होता है ये पढ़ने से पांच नंबर मिल सकते हैं, हाफमान ब्रोमाइड क्या होता है ये पढ़ने से भी मिल सकते हैं, सल्फोनीकरण क्या होता है ये पढ़ने से भी मिलेंगे, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है ये भी पढ़ना पड़ेगा, एलिनिन क्या होता है ये भी पढ़ना पड़ेगा, मेंडिस क्या होता है ये भी पढ़ना पड़ेगा, सल्फोनीकरण बेंजोलीकरण क्या होता है और एल्के मेन क्या होता है एमीन क्या होता है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रहा है ना, टॉपिक वो ही है जो 2024 के अंदर देखने वाले हैं। रहा है ना, याद करना मेरे को, बाहर निकलते 1 बजे निकलोगे वैसे आप एग्जाम से, तो दोबारा देखने की जरूरत तो नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको तो ये याद रहेंगे टॉपिक, तो जैसे एग्जाम में बैठोगे ये टॉपिकों को देखोगे तो याद तो मैं ही आने वाला हूं एग्जाम में आपको। अगला देखो जैव अणु क्या होता है, चार नंबर का है भैया, सबसे कम नंबर का अगर अपन बात करें जैव अणु है। पूछ क्या सकता है सर इसमें से, पूछना क्या है सर जैव अणु के बारे में, अपन को पता होना चाहिए जैव अणु क्या है, है ना, जितने भी जैव अणु हैं उनका उपयोगिता पता होनी चाहिए। और ये ट्वेल्थ में मुझे लगता है इसके बाहर आना वाला नहीं है क्योंकि आप जैव अणु की उपयोगिता अगर आपको पता है, प्रोटीन क्या काम में आती है, प्रोटीन किस प्रकार से टूटता है हमारी बॉडी में और क्या करवाता है हमारी बॉडी में ये पता होना चाहिए, विटामिन क्या करवाता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करवाता है, वसा क्या करवाता है, ये सारी बातें अगर अपन को पता है तो अपन बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं ये पता होना चाहिए। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैव अणु क्या होता है, ये तो अपन को आना ही चाहिए रे भाई। डीएनए और आरएनए क्या है भाई, डीएनए आरएनए तो अपन बायो वाले हैं या फिर मैथ वाले हैं तो अपन को पहले से ही आता है, हाँ है ना, बताना है। और अंतर पूछ लेता है कभी कभी कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, दो नंबर का अगर अंतर पूछ रहा है तो आपको तीन चार अंतर तो आपको लिख के आने ही है, तो ये तो आप नॉर्मली बता सकते हो। इसका एक तो अपन फुल फॉर्म बता सकते हैं, इसके अलावा विटामिन क्या होती है, विटामिन आपको सबको आती है भाई, जलीय विलेय पूछ सकता है या वसा अम्लीय पूछ सकता है, जो भी है वसा में विलेय जल में विलेय जो भी है सारी आपको बता करनी पड़ेगी।
अगला है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, कैसे प्रोटीन टूट जाता है, कैसे विघटित हो जाता है, कैसे बिखर जाता है, ये क्या प्रोसेस है, ये सारी आपको बता होनी चाहिए। तो कितने टॉपिक है भाई अपने पास, 10 चैप्टर थे और 10 चैप्टरों में से अपने टॉपिक कितने लेके आए, 30 टॉपिक। मतलब बोर्ड के हिसाब से अपने पास कितने टॉपिक बन रहे हैं ना भैया, 30। अब सर याद कैसे करें, सर 30 बन गए सर, तो अभी टाइम कितना है, 16 दिन। कितना है भैया, 16 से 15 दिन अपने पास है। तो क्या कर सकते हो, दिन का दो टॉपिक उठाना है अपन को, जैसे आज मोलरता था, मोलरता ले लिया भैया, कल अपन दूसरा ले लेंगे। अगर रोज के दो टॉपिक भी पढ़ोगे ना आराम से बैठ के, नोट्स अगर नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको बोला है। अगर आपके पास बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं तो उन बहुत अच्छों को बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि आने वाले टाइम पे आपको 56 में से 56 का स्कोर जो करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि 30 टॉपिक से बाहर कुछ आने वाला है नहीं। जो भी आपके 21-20 क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं टॉपिकों से देखने को मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। और जब भी आपके एग्जाम लग जाए और आपको लगे कि इन टॉपिकों में से अपने क्वेश्चन सारे आ चुके हैं, तो एक बार वापस इसी पे आके एक बार मैसेज जरूर कर देना, और ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आने वाला तो यहाँ से ही है, ठीक है। तो इनको पढ़ो आराम से और हो सके तो ढंग से तैयार करके जाओ इनको, ठीक है। थैंक यू।